ऐसी क्या चीज है जो बच्चों को डरा रही है? हमें शेर को डरा के दिखा। दोस्तों आज हम फिर आपकी सेवा में लेकर हाजिर है जंगली जानवरों से जुड़ी एक बेहद ही कमाल की वीडियो, जिसमें आप ये देखोगे कि जानवर किसी न किसी वजह के चलते दूसरे जानवरों से भिड़ते हुए दिखाई देते हैं। खैर भूमिका में ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम आज की इस कमाल की वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो के अंदर कुछ कुत्ते एक गिलहरी के पीछे पड़े होते हैं और इस दौरान एक कुत्ता तो इस ऊंचाई के ऊपर ही चढ़ जाता है, लेकिन ये चाकर भी इस गिलहरी को नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि गिलहरी काफ़ी ज़्यादा फुर्तीली होती है और वो इसके चारों ओर घूमने लगती है। अब कुत्ता इसके साथ चारों ओर घूमेगा तो नीचे आ गिरेगा और इसी वजह से बेचारा एक कुत्ता तो ऊपर चढ़कर ही बैठा रहता है ताकि गिलहरी कैसे भी करके इसके हाथ लगे। ये लांबा भी इस बिल्ली के पास में आकर इसको सूंघने लगता है, जिसकी वजह से शायद इसकी बदबू इस बिल्ली को पसंद नहीं आती है और इसी वजह से ये एक झापड़ मार के इस लांबा को यहाँ से भगा देती है। दोस्तों यहाँ पर जो इस लांबा को झापड़ पड़ता है तो बेचारा तुरंत ही 9-2-11 हो जाता है। अब भाई इस छोटे से बकरे की हिम्मत को आप क्या नाम दोगे या फिर मूर्खता बोलोगे, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो भी हो, हिप्पो के आने के बाद भी ये बकरा यहाँ से हिलता तक नहीं है और जब इसका मन करता है तब ये यहाँ से जाता है। दोस्तों हम आपको बता दें कि हिप्पो काफ़ी गुस्सेल जानवर होता है और ये किसी का भी आसानी से कचूमर बना देता है, चाहे इसके सामने शेर भी क्यों ना हो। तो इसके सामने ये बकरा तो एक मामूली चीज़ थी। दोस्तों जब बाजी खुद की आत्मी हो तो कुछ भी होना संभव होता है और ऐसा ही आप इस वीडियो के अंदर देख ही सकते हैं, जहां पर कुछ बफेलोज एक शेर के पीछे पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये शेर भी अपनी जान बचाने के लिए इस पेड़ का सहारा लेता है और इस पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है, क्योंकि इसे भी इस बात की अच्छे से जानकारी है कि अगर ये गलती से भी इन बफेलोज के हाथ लग गया तो इसकी जान जानी तो तय है। लेकिन जब शेर झुंड के अंदर होते हैं तो इनकी ताकत कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका बेहतर नमूना आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं, जहां पर ये शेर काफ़ी देर से इस बफेलो के बछड़े के ऊपर हमला कर रहे हैं और इस दौरान ये माँ बफेलो अपने बच्चे को बचाने के भरसक प्रयास कर रही है। लेकिन शेरों की तादाद ज़्यादा होने की वजह से चारों ओर से हो रहे हमले के चलते ये अपने बच्चे को बचाने में नाकामयाब हो जाती है। दोस्तों ये दोनों डॉग्स काफ़ी देर से इस बिल्ली को अकेला समझकर इसके ऊपर भौंक रही थी और इसको परेशान कर रही थी, जैसे मानो कह रहे हैं कि बिल्ली तू एक बार हाथ लग फिर तेरे को बताएंगे, जिसकी वजह से इस बिल्ली का भी माथा सटक जाता है और फिर क्या था, ये ऊपर बैठी बैठी एक कुत्ते के ऊपर जोरदार झापड़ मारती है और बेचारी की अकल ठिकाने लगा देती है और इसकी अकल ठिकाने लगाने के बाद अंदर जाकर बैठ जाती है, जिसके बाद ये कुत्ते चाकर भी इसका कुछ नहीं कर पाते हैं। जब बात तादाद की होती है तो वाइल्ड डॉग्स सबसे ज़्यादा तादाद में होते हैं और इसी वजह से इनकी ताकत भी कई गुना ज़्यादा होती है और यहाँ पर भी वाइल्ड डॉग्स की यूनिटी और ताकत दिखाई देती है, जिसमें कई सारे वाइल्ड डॉग्स मिलकर एक वर्तोंग के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वर्तोंग अपने आप को बचाने में पूरी तरह नाकामयाब रहता है। दोस्तों यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि वाइल्ड डॉग्स का झुंड इसे जिंदा ही नोच रहा है और सभी वाइल्ड डॉग्स इसे जिंदा ही खा रहे हैं। चीते भले ही धरती के सबसे तेज जानवर हो, लेकिन शिकार करने में इनको भी काफ़ी मेहनत और मशक्कत करनी पड़ती है। अब जैसा कि इस वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है, जहां पर दो चीते मिलकर एक एंटीलोप का शिकार करने के लिए उसे जमीन पर गिरा लेते हैं, लेकिन इसी दौरान एंटीलोप अपने बचाव में चीते के ऊपर अपने पैर से एक जोरदार किक मारता है। वो तो यहाँ पर इसकी किक इसके सर के ऊपर नहीं लगती है, वरना एंटीलोप की किक इस चीते को हमेशा के लिए सुलाने के लिए काफ़ी थी।
शेर का दबदबा तो जंगल में चारों ओर चलता ही है, और जब भी इन्हें मौका मिलता है तो ये दूसरे जानवरों का शिकार हड़पने से भी पीछे नहीं हटते हैं। और कुछ ऐसा ही यहाँ पर भी देखने को मिला, जिसमें कई सारे हाइनाज मिलकर एक शिकार करते हैं और उसे खाने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर एक शेर की एंट्री होती है, जिसे देखते ही सभी हाइनास पीछे हटने में अपनी भलाई समझते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर ये शेर आराम से इस शिकार को खाने लगता है। दोस्तों, इन दो पपीज की हिम्मत वाकई में कमाल की है, जो कि काफी देर से इस बड़े से डॉग के ऊपर हमला करने के लिए उतावले हैं। लेकिन इनको इस बारे में जानकारी नहीं है कि अगर ये दोनों उसके हाथ लग गए तो इनका वो क्या करेगा। और इसके बावजूद भी ये काफी देर से इसके ऊपर भौंक रहे हैं, जैसे मानो कह रहे हैं, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। तो दोस्तों, ऐसा करते हैं, आपको वाइल्ड एनिमल अमेजिंग फाइट की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट कर देना। हम जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।